हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सॉर्विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पहला तुर्की सुपर लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है एर्जुनुम स्पोर और फातिह कारामुगुरु के बीच में। ये मैच होने जा रहा है काजिम काराबेकर स्टेडियम यू में, जो कि एर्जुनुम स्पोर का होम ग्राउंड है। मतलब आज के मैच में एर्जुनुम स्पोर आपके लिए होम टीम होने वाली है और फातिह कारामुगुरु की टीम जो है अवे टीम। यह है मैच डे 27। करंट पोजिशन की बात करें तो 21 टीमों की टेबल में एर्जुनुम स्पोर 18 पोजिशन पर और कारामुगुरु 8 पोजीशन पर है। मतलब 10 जो है पायदान का डिफरेंस है दोनों टीमों के भीतर। दोनों टीमों के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोनों ही टीमें इस सीजन में प्रमोट होकर आई है नया, ठीक है। फातिह कारामुगुरु सीजन के शुरुआत से ही मतलब ठीक ठाक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन विंटर ट्रांसफर में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कुछ साइनिंग करे हुए हैं और उसके बाद से उनकी टीम ने जो गियर पकड़ा है ना, बहुत ही अच्छा चल रहा है। बीच में एक दो मैच वो हारे भी थे बड़े बड़े टीमों के अगेंस्ट में, लेकिन जिस गियर में वो चल रहे हैं, अगर इसी गियर में वो चलते रहे तो सीजन के एंड में वो टॉप 4 या टॉप 5 के भीतर भी आ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, ठीक है। एर्जुनुम स्पोर भी इन्हीं के साथ आई थी सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन पर, लेकिन सीजन के शुरुआत से ही इतना कंसिस्टेंसी वो दिखा नहीं पाए थे। मतलब बीच के कुछ मैचेस में कुछ रिजल्ट्स इनके सपोर्ट में गए थे, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए, और फिर से जहाँ पर वो सीजन की शुरुआत से ही रहे हैं मतलब रेलीगेशन जोन में, अभी भी वहीं पे बरकरार हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल चेंज आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा इस मैच पर। जो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं, काफ़ी इजी मैच हो सकता है अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले पाते हो। आप कितना रिस्क ले पाओगे उसके ऊपर ही ये मैच जो है डिपेंड करेगा, मैच का रिजल्ट क्या होगा। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। ये कुछ प्लेयर्स हैं काराकोलुकचु यहाँ से और जुकानोविच, जो कि बहुत दिनों से ही इंजर्ड हैं, ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे और वैसे भी इनका कोई रोल अभी रहा नहीं है इस टीम में। काराकोलुकचु हालांकि बीच में कुछ मैचों में बेंच से आके गोल वगैरह करा हुआ है इन्होंने। आखिरी बार जब ये दोनों टीमें भिड़े थे, दोनों ही टीमें सेकंड डिवीजन से आए थे याद रखना, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही टीम जब लगभग सेम स्टेज में ही थे सीजन के शुरुआत में, वहाँ पर भी फातिह कारामुगुरु ने इनको 5-1 से हराया था। जो गोल स्कोरर्स थे इनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि शाही शूश, ये उस मैच में खेल रहे थे फातिह कारामुगुरु के टीम में, लेकिन अभी ये एर्जुनुम स्पोर की टीम पे होकर खेलते हैं। मैं दोनों टीमों की स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है आगे समझा दूंगा। पहले तो ये मैच हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 गोल किया था एनडीआई ने। एनडीआई इनकी टीम के होकर बहुत ही वर्सटाइल रोल प्ले करते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ नए साइनिंग्स के हो जाने के बाद अभी इनका जगह ही नहीं बन रहा है टीम में। मतलब वो नए साइनिंग्स ही पूरी तरीके से जो है फर्स्ट 11 पर चक्कर बैठे हुए हैं। इसके सिवा एंडाओ, इन्होंने गोल करा था, साबो जो कि अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते हैं, और बिलिया ने पेनल्टी से गोल करा था। जुकानोविच आप देख सकते हैं, ये भी आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे इंटरव्यूज में खेल रहे थे। कुछ भी बताने लायक नहीं था यहाँ पर। एर्जुनुम स्पोर के होकर एकमात्र गोल आखिरी मोमेंट पे करा था सेट पीस से, बाकी डिफेंस से शुरू करके अटैकिंग थर्ड मिडफील्ड कुछ भी यहाँ पर सही नहीं था। मैं दोनों टीमों का स्ट्रक्चर आगे बता दूंगा, लेकिन इस मैच में अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो आपको ओवरऑल डोमिनेशन देखने को मिल जाएगा। नो चांस फॉर द वीकेस्ट पॉसिबल न्यू कमर, दोनों ही टीमें न्यू कमर थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वीक नज़र आ रहे थे एर्जुनुम स्पोर की टीम। बोथ टीम डिफेंस वे आर नॉट अप टू द मार्क, बट फातिह हैड डिवस्टेटिंग अटैकिंग थर्ड टू कम्पेंसेट। विंग प्ले यहाँ पर इफेक्टिव था जहाँ से गोल भी आया था। बोथ टीम स्कोर फ्रॉम सेट पीस। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों की बात करें तो फातिह यहाँ पर ओवरऑल डोमिनेटर थी, तो पोजिशन भी उनके ही पास था। शाहिशूस जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फातिह कारामुगुरु के लेफ्ट विंग पे खेल रहे थे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी एज भी हो चुकी है इनकी। तो एर्जुनुम स्पोर की टीम में अब ये जुड़ चुके हैं, मतलब अपने पुराने टीम के अगेंस्ट खेलने आने वाले हैं, और मतलब सेट पीस वगैरह से काफ़ी गोल उन्होंने करा हुआ है, लेकिन उस तरह की स्पीड अभी इनकी नहीं रही है। एक समय था जब ये पॉजिटिव विंगर की तरह खेलते थे। उसके बाद बिलिया के पासेस आगडाग के साथ, आगडाग ये एर्जुनुम स्पोर की टीम पर खेलते थे। बासान जो कि यहाँ पर विंग पे खेलते हुए आपको दिखेंगे, मैं आगे सब कुछ बता दूंगा इनके बारे में, फिलहाल तो आप देखते रहो। इनके सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट थे, लेकिन उनमें से एक भी गोल में तकदीर नहीं हुआ था। एनडीआई और शाहिशूस उसके बाद फातिह कारामुगुरु की तरफ से। विवियानो जो फातिह के गोलकीपर थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे सेव्स भी करे थे। मतलब चांसेस नहीं बने थे ऐसी कोई बात नहीं है, चांसेस तो बने थे, लेकिन उस तरह से फिनिशिंग नहीं कर पाए थे। और जो काम मतलब शॉट्स को गोल में तकदीर कन्वर्ट करने का जो काम फातिह कारामुगुरु के अटैकर्स ने करा था, वो एर्जुनुम स्पोर के जो अटैकर्स थे उनको नहीं पाए थे, ठीक है। अभी रीसेंट कुछ मैचेस की बात करें और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों टीमों का कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या स्ट्रेंथ होते हैं, क्या वीकनेसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम एर्जुनुम स्पोर की बात करते हैं। यहाँ पर जो रीसेंट उन्होंने हारा है, रिसेंटली लगभग मेजोरिटी ऑफ द मैचेस वो हारे ही हैं, तो उनमें से एक मैच ये है जहाँ पर हताश स्पोर के अगेंस्ट उनको हारना पड़ा था। उनके टीम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक ये 4-4-2 के फॉर्मेशन से ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। इनके टीम में आपको रिकार्डो गोमेज दिख रहे हैं, जो अटैकर सेंट्रल अटैकर के तौर पर यहाँ पर खेल रहे हैं। कभी कभार ये 4-4-2 के जगह
पर 4-3-3 की फॉर्मेशन से भी आते हैं। शाही शूज ये कभी कभार अटैकिंग मिडफील्डर के पोजीशन में भी खेलते हैं या फिर सेंट्रल स्ट्राइकर, जनरली विंग पे आपको इनको खिलाया नहीं जाता है, लेकिन एर्जुरसपुर की टीम कुछ हद तक विंग का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इनके पास दो पॉजिटिव विंगर्स हैं और एक ऐसा फुटबॉलर है जो जनरली फुलबैक के तौर पे स्टार्ट किया था उन्होंने इस सीज़न में, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गए हैं इन्होंने खुद को विंगर के तौर पे भी एस्टैब्लिश करा है और कुछ मैचों में इन्होंने गोल्स भी करे हुए हैं। उनका नाम है एल्किलिच, पूरा नाम अभी के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एल्किलिच है, आप डिफेंस में इनको ढूंढ पाएंगे ड्रीम इलेवन पर। राइट साइड से ऑपरेट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर राइट बैक में भी खेल सकते हैं, लेकिन ऑफ लेट ये थोड़ा बहुत राइट विंगर या राइट मिडफील्डर के तौर पर खेल रहे हैं। इसके बाद है नोवी कोबास जो लेफ्ट साइड में कंसिस्टेंटली ऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे पेनेट्रेटिव पावर ये प्रोवाइड करते हैं, गोल्स भी कुछ मैचों में करे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन पूरी कोशिश इनकी रहती है और मतलब आप इनके इनसे नोटिस कर सकेंगे कि एर्जुरसपुर के मेजॉरिटी ऑफ द अटैकिंग मूव्स में ही ये इन्वॉल्व रहते हैं। इसके सिवाय भी एक और इनके पास विंगर थे जिनका नाम है एमिर बासान, शायद वो राइट साइड में ऑपरेट करते थे। जनरली सीजन के शुरुआत में क्या होता था कि नोवी कोबास एक साइड से, बसान एक साइड से ऑपरेट करते थे, लेकिन अभी एल्किलिच के आने के बाद तीन जो है ऑप्शंस हो गए हैं विंग पे। लेकिन प्रॉब्लम इनके लिए कहाँ है मालूम, इनके पास सेंट्रली कुछ भी खास नहीं है और इसीलिए इस एरिया में इनके पास प्लेयर्स जो हैं बदलते रहते हैं, स्पेशली डिफेंसिवली। अटैकिंगली तो फिर भी चलिए कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ मैच में गोल करा हुआ है, लेकिन डिफेंसिवली बिल्कुल भी सही चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनका जो डिफेंस है, सेंट्रल डिफेंस जो है, अगर इनको आप मतलब इंडिविजुअली देखने जाएंगे क्वालिटी वाइज, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर दो सेंट्रल डिफेंडर्स खेलते हैं, मैनुअल डाकोस्टा और ट्रेक्यू। ये दोनों का क्वालिटी उतना बुरा है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर मिडफील्ड से सपोर्ट नहीं आएगा तो लगातार प्रेशर बनते रहेंगे और ज़रूरी नहीं कि हर प्रेशर का जवाब वो डिफेंडर के दे पाए, तो इसीलिए गोल ये कंसीड करते रहते हैं। लेकिन इतना बुरा इनका डिफेंसिव यूनिट उतना बुरा नहीं है, लेकिन मिडफील्ड खराब होने की वजह से ही ये उतना जो है सपोर्ट नहीं ले पाते हैं अपने टीम से। इनके जो दोनों फुलबैक्स हैं स्वेचलन, लेफ्ट साइड में सीजन के शुरुआत से ही ऑपरेट करते हैं और बहुत ही सही स्टेटिस्टिक्स होते हैं इनके, ये एक मतलब छोड़ को बचा के रखते हैं। और इनके साइड से छोटी मोटी टीम की अगर मैं बात करूँ, इनके साइड से पेनिट्रेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बड़ी टीम की अगर बड़े बड़े अटैकर्स हों तब अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी टीम का ये उतना मतलब छोटी मोटी टीम्स जो आते हैं ये उतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं इस साइड से, यहाँ पर प्लेयर्स बदलते रहते हैं। लेकिन राइट लेफ्ट साइड में स्वेचलन कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, तो जो भी हो यहाँ पर हराया था उन्होंने था उनको हतास्पोर्ट ने, तीन गोल आए थे, तीन में से दो गोल सेटपीस से आया था, एक यहाँ पर इनके लेफ्ट बैक ने करा था और एक पेनल्टी से। यहाँ पर बुपेंजा खेल रहे थे, वैसे तो आपको दिखेगा कि ये राइट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि स्विट्जरलैंड के साइड से उतना होता नहीं है इफेक्टिवनेस, लेकिन बुपेंजा एक्चुअली सेंट्रल अटैकर के तौर पर ही खेलते हैं, मतलब लिस्ट तो किया जाता है इनको एज एन विंगर, लेकिन ये किसी भी साइड में भी खेल सकते हैं और सेंट्रल भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो इनको एज ए पॉजिटिव मतलब राइट विंगर के तौर पर आप कंसिडर ना ही करें तो बेहतर। एक और चीज़ जो आपको नोटिस करने मिल जाएगा कि सेंट्रली यहाँ पर पूरी तरीके से जो है जकड़ लिया था मिडफील्ड को, इसीलिए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर्स वगैरह जो होते हैं उनके पास काफ़ी ऑफेंस प्लेस बन जाता है एर्जुरसपुर के अगेंस्ट में। एकमात्र गोल जो उन्होंने वापस करा था वो गोलकीपर की एरर की वजह से आया था, नहीं तो क्लीन शीट रख के भी वो मतलब क्लीन शीट के साथ भी वो हार सकते थे, जो किसी दिन में काफी बार वो हार भी चुके हैं इसी तरह से। तो ऑफुल परफॉर्मेंस, ओवरऑल डोमिनेशन फ्रॉम अपोनेंट, विंग प्ले नहीं यहाँ पर उनको पूरी तरह झंझोर के रख दिया, सेट पीस से गोल का सेट किया। स्विट्जरलैंड के आपको कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स दिख जाएंगे टैकलिंग वगैरह की और यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। रिसेंट जो जीत उन्होंने दर्ज करी है ये भी थोड़ा सा पुराना मैच है, रिसेंट तो ज़्यादा मैचेस वो जीते नहीं एर्जुरसपुर की टीम, तो वो रिजेसपुर को उन्होंने हराया था और काफ़ी क्लीन हराया था। हालांकि ये भी आप कह सकते हैं कि रिजेसपुर वन मैन डाउन भी हो चुके थे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने एक गोल हालांकि करके रखा था। तो जो यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है, ध्यान से देखो, सेंट्रल डिफेंस यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग था। रिजेसपुर इस दौरान कुछ आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे थे, वो भी एक रीज़न था, कुछ खराब फुटबॉल उन्होंने भी खेला था वो भी एक रीज़न था। लेकिन जो भी हो, आप जो भी पॉजिटिव है एर्जुरसपुर की तरफ से उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो जो है सेंट्रल डिफेंस इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पर जो लेफ्ट बैक खेले थे स्वेचलन, कमाल का फुटबॉल उन्होंने भी खेला था, डिफेंसिवली भी और अटैकिंग थर्ड में भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करा था, एक असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड करा था। अटैकिंग थर्ड में पेनिट्रेशन की कमी थी, ठीक है, फिर भी आप कहेंगे नोवी कोबास शुरुआती मिनट से ही काफ़ी पेनिट्रेटिव नजर आ रहे थे। एल्किलिच भी ठीक ठाक थे, उतना खास तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ही थे। एकमात्र गोल जो मतलब स्टार्टर्स में से एकमात्र गोल यहाँ पर करा था शाही शूज ने। शाही शूज ने बीच में आखिरी चार पाँच मैचों के भीतर दो तीन गोल करे हुए हैं वैसे, और एक गोल बेट से आकर करा था कराकुलुक्ष ने।
बस यही है। तो ओवरऑल जो चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि एर्जुरन स्पोर का स्ट्रेंथ जो है वो है इनकी डिफेंसिव स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अटैकर्स इनके पास नहीं है कि दो तीन गोल करके ये जीते, तो वही उन्होंने मेंटेन करा था। उनके सेंट्रल डिफेंस पर्टिकुलरली काफ़ी सही है, मैं अगर सही बताऊँ तो उतना बुरा नहीं नज़र आता है। वो अलग बात है कि मिडफील्ड में क्वालिटी की नहीं होने की वजह से इनको गोल कंसीड कर जाना पड़ता है, नहीं तो ओवरऑल ये डिफेंसिवली उतने बुरी टीम है नहीं। और यहाँ पर सामने वाली टीम ने भी बहुत ही ख़राब फुटबॉल खेला था, फिर भी हम नोटिस कर सकते हैं कि सेंट्रल मिडफील्ड में इन्होंने भी कुछ हद तक काम करा था, डिस्पाइट टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी इतनी ख़राब टीम के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिवनेस फिर भी हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो सॉलिड डिफेंस और इफेक्टिव सेंट्रल एरिया, यही इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। सेंट्रल एरिया में ये क्वालिटी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ चल गया था तो काम हो गया। सामने वाली टीम ने भी बहुत खराब फुटबॉल खेला था, ओपोनेंट वी आर स्लॉपी एनी वे। विंग प्ले एक्टिव था, फुल बैक्स ने कंट्रीब्यूट करा, आपने देखा स्विट्जरलैंड ने एक असिस्ट भी प्रोवाइड करा हुआ था। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो आपको स्विट्जरलैंड फिर से टैकलिंग पे और इंटरसेप्शन में दिख जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है, इनको मिस मत कर लेना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सपोर्ट चाहिए इनके डिफेंडरों में से तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखेंगे। और उसके बाद शाहिशू, जिन्होंने यहाँ पर दो शॉट्स ऑन टारगेट के भीतर एक गोल भी करा हुआ था। तो यह है कुछ हद तक आइडिया एर्जुरंसपुर के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन अपने डिफेंसिव सेफ को बरकरार रखे कुछ मैचों में उन्होंने पॉइंट्स वगैरह हासिल करे हुए हैं। और अगर सामने वाली टीम थोड़ा खराब फुटबॉल खेले, स्पेशली अटैकिंग थर्ड में फिनिशिंग वगैरह खराब करे, तो हो सकता है कि इनके पास आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चांस बन भी जाए। अभी बात करते हैं फातिह करम ग्रुप के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, सीजन के शुरुआत से ही इन्होंने थोड़ा बहुत सही मतलब करा हुआ था, जैसा आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एक नए प्रमोटेड टीम से, उतना उससे तो काफ़ी अच्छा ही कर रहे थे। और रिसेंटली विंटर ट्रांसफर के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये कर रहे हैं, मतलब सीजन के शुरुआत से उनका टारगेट शायद यही था कि मिड टेबल फिनिश में ही फिनिश करा जाए, लेकिन अभी टॉप 10 के भीतर भी वो बहुत सॉलिडली हैं और इससे भी ऊपर वो जा सकते हैं अगर सब कुछ सही चला। तो जो भी हो, यहाँ पर अलानिया स्पोर्ट को उन्होंने हराया था। ये जो जीत है, इसके पहले वो दो मैच हार चुके थे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीत जो दर्ज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने जीत जो है दर्ज करा हुआ था। इनके टीम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इनके डिफेंस में दो प्लेयर्स जो खेलते हैं, एक तो है एन्जो रोको जो सीजन के शुरुआत से ही है, और दूसरे हैं गुस्टावो सैम्पी। ये दूसरे किसी टीम में खेलते थे, कौन सी टीम में मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से विंटर ट्रांसफर में ही आए हैं। और इनके आने के बाद डिफेंस में जो सॉलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। लुकास विलिया सीजन के शुरुआत से ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब सेट पीस में गोल करना ना करना वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन डिफेंसिव ड्यूटी को निभाना ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इनके टीम का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है उनका विंग प्ले, ठीक है। एंडाओ यहाँ से और फाबियो बोडिनी बहुत ही बड़े इंक्लूशन के तौर पे टीम पे आए हैं, मतलब इनके आने के बाद से ये जो विंग प्ले है ये बहुत ही सर चढ़ के बोल रहा है और वहाँ से इफेक्टिवली गोल्स ही बन रहे हैं, ठीक है। इनके दोनों फुलबैक्स खेलते हैं, एक तो है बालकोविच, ये सेंट्रल डिफेंस में भी कुछ मैचों में खेल चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुटबॉलर होते हैं डिफेंस में, डिफेंसिव क्वालिटी तो ठीक ठाक है ही, इवन सेट पीस में भी ये इंपॉर्टेंस रख चुके हैं। राइट बैक के पोजीशन पे प्लेयर्स जो है बदलते रहते हैं, कभी अल्टिंगटाई खेलते हैं, कभी हेडन स्टार्ट खेलते हैं। सेंट्रली प्लेयर्स की बात करेंगे तो बर्तोलाची आपको देखेंगे यहाँ पर खेलते हुए। सेंट्रली बहुत ज़्यादा क्वालिटीज इनके नहीं है, अगर मैं सही बताऊँ तो, मतलब अटैकिंगली नहीं है, डिफेंसिव क्वालिटी ठीक ठाक है लेकिन अटैकिंगली नहीं है। यहाँ पर इंडिया भी खेलते थे, जिनको आपने आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर आपने खेलते हुए देखा था, साबो खेलते थे, वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया शायद अवेलेबल है लेकिन इनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि गोंजालो कैस्ट्रो शायद इनका नाम है, ये आ चुके हैं अभी। ये जो है ये एकदम परफेक्ट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं, जैसा गोल करना जानते हैं, डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी बहुत ही अच्छी है इनकी, और आज के मैच में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बन सकते हैं, क्योंकि सामने वाली जो टीम है उनके मिडफील्ड में तो भर भर के लूप होल्स भरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्ट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं, और इनके आने के बाद जो सेंट्रल मिडफील्ड में जो अटैकिंगली पेनिट्रेशन वगैरह कम थोड़ा नज़र आ रहा था वो भी कुछ हद तक जो है कॉम्पेंसेटेड हो चुका है। और इनके जो सेंट्रल स्ट्राइकर्स होते हैं ये बस मतलब रहते हैं, बाकी इनका कोई फंक्शन वगैरह तो नहीं नज़र आता है मुझे, मतलब 10 में से एक मैच में अगर गोल करे तो करे, नहीं तो खास कुछ तो मुझे नज़र नहीं आता है। तो यही इनका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर उन्होंने हरा था अलानिया स्पोर को, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ये भी टॉप टीम के भीतर ही रहती है, डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो लड़खड़ा गए थे। और सेंट्रल मिडफील्ड में यहाँ पर पूरी तरीके से जकड़ लिया था फातिह करम ग्रुप की टीम ने। तो अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल डोमिनेशन अगेंस्ट ए माइटी ओपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया
विंग प्ले यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम पे आया था, जहाँ से गोल्स वगैरह भी बने थे। फाबियो बोरिनी का एक फायदा ये है कि ये जनरली स्टार्ट तो करते हैं लेफ्ट विंगर के तौर पे, लेकिन ये ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रली भी आ जाते हैं, और इसीलिए इनको मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं सामने वाली टीम विंग से अच्छा मतलब डिफेंस कर लेती है तो इनको ब्लॉक कर देगी, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता नहीं है, क्योंकि ये अपना पोजीशन जो है बदलते रहते हैं। डिफेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था इन ऑल पार्ट्स ऑफ द फील्ड, लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और जो कि स्ट्रेंथ भी है फातिह करम गुरु की टीम का, वो है ये पोजीशन ज़्यादा नहीं रखते हैं, काउंटर अटैक पर डिपेंड करते हैं, और इसीलिए इनके विंगर्स का बहुत ज़्यादा रोल भी आता है। तो और इसीलिए इनडायरेक्ट चीज़ों के पॉइंट, मतलब समझ लीजिए क्रिएशन के पॉइंट, टैकलिंग के पॉइंट, शॉट्स ऑन टारगेट, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। डायरेक्ट चीज़ें की ही वो पॉइंट्स आपको देते हैं, डायरेक्ट अटैक करेंगे वहाँ से गोल आएगा और वहीं से उनका जो है काम हो जाता है। ठीक है, एस एफ पी से गोल करा, पोजीशन यहाँ पर नहीं रखा जैसे आपको बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मैच से पहले तो मतलब ये अलानिया स्कूल के मैच से पहले वो दो मैच हार चुके थे, एक मैच तो वो कालातासराय के अगेंस्ट में हारे थे तो वो बातें करके फायदा नहीं है, और कासिम पासा के अगेंस्ट में भी वो दो तीन से हार चुके थे। यहाँ पर बोरिनी नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी लगभग बाकी जो प्लेयर्स थे वो लगभग ठीक ही थे, सेम ही थे। लेकिन क्या हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो सेंट्रल स्ट्राइकर होते हैं ये मतलब बस जगह ही फिल अप कर के नज़र काम पे आते हैं, ज़्यादा कुछ तो मैंने इनका देखा नहीं है, तो वही यहाँ पर हुआ था। विंग कोई भी यहाँ पर कुछ हद तक ब्लॉक कर दिया था कासिम पासा के जो दोनों फुल बैक्स हैं, और ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। फातिह करम गुरु के जो सेंट्रली प्लेयर्स हैं ये डिफेंसिवली ठीक है, डिफेंसिव क्वालिटी, क्रिएटिविटी सब कुछ सही है, लेकिन पेनिट्रेटिव मतलब गोल करने के मामले में ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो उस मामले में इनके विंगर्स काफ़ी हद तक काम पे आते हैं। अगर सामने वाली टीम विंग को ब्लॉक कर देती है तो इनके लिए दिक्कतें बन सकती हैं, जो कि यहाँ पर बना भी था। यहाँ पर कासिम पासा का जो टीम था इनके पास अच्छे फुलबैक्स हैं, ये सेंट्रली उतने अच्छे तो है नहीं लेकिन मतलब डिफेंसिवली, लेकिन क्या है कि फातिह की टीम ने सेंट्रली अटैक करने का कोशिश ही नहीं करा, और सेंट्रली जो प्लेयर्स हैं इनमें से सिर्फ कैस्ट्रो आपको दिख जाएंगे जिनका मैंने आपको बताया बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं, इन्होंने ही एकमात्र गोल यहाँ पे करा था। बिलिया ने भी ठीक ठाक ऑपरेट करा था, लेकिन ये डिफेंसिव मिडफील्डर है तो खास कुछ पेनिट्रेशन आप इनसे उम्मीद नहीं रख सकते बस, और विंग यहाँ पर ब्लॉक्ड हो चुका था तो बस और कुछ करने लायक था नहीं। सामने वाली टीम ने भी सेंट्रल मिडफील्ड का ही यूज़ किया अटैकिंग पेनिट्रेशन बनाने के लिए, और वहाँ से सेट पीस वगैरह से गोल भी आए। ठीक है, ओवरऑल डिफेंसिवली यहाँ पर फिर भी वो बुरे नहीं थे, लेकिन गोलकीपर ने कुछ बहुत ही बड़े बड़े एरर कर दिए थे जिसकी वजह से यहाँ पर गोल जो है कंसीड करना पड़ा। एक गोल यहाँ पर सेट पीस से करा था एन्जो रॉको ने, तो एन्जो रॉको का एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि आपके लिए सेट पीस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और गोंसालो कैस्ट्रो ने, और जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं कि सामने वाले टीम ने ही विंग्स का ही इस्तेमाल करा था, हालांकि इन्होंने भी सेट पीस से गोल बनाया था, जो विंगर्स का गोल आप देख रहे हैं उनमें से एक गोल सेट पीस से भी था, लेकिन जो भी हो तो ऑफुल गोलकीपिंग यही बताने लायक है। दो बहुत बड़े एरर करे थे जहां से गोल्स वगैरह बने थे, नहीं तो यहां पर भी बहुत खराब फुटबॉल उन्होंने खेला नहीं था, लेकिन जो भी हो रिजल्ट उनके सपोर्ट में नहीं गया। मल्टीपल एरर्स इन क्रिटिकल एरियाज डाउन देम विदाउट सम फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स, अटैकिंग थर्ड भी यहाँ पर थोड़ा सा डल नजर आ रहा था, सेट पीस से गोल करना पड़ा। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों की बात करें तो पोजीशन यहाँ पर रखा था, मतलब अपने यूजुअल तरीके से वो खेल नहीं पाए थे, मैंने आपको बताया कि ये काउंटर अटैक डिपेंडेंट फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। बालकोविच के सबसे ज़्यादा टैकल्स, उसके बाद कैस्ट्रो आप नोटिस कर सकते हैं ये गोल पे भी आए थे और टैकलिंग में भी हैं, उसके बाद रोको और सैम्पी के पासेस। तो यह कुछ हद तक आइडिया फातिह करम गुरु के बारे में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है ऑन पेपर, तो बहुत ही बड़ा कुछ मिराकल हो जाए तभी शायद एर्जिनसपुर के पास चांस बने कि इस मैच से वो एक पॉइंट भी लेके जाएं। विंग प्ले इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, सेंट्रली डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा करते हैं, एक जो स्लॉट है जहाँ पर वीकनेस है वो उनका वो है सेंट्रल स्ट्राइकर का, कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा नहीं कि गोल कभी नहीं करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये सब कुछ देखने के बाद और सारी जनता जो सोच रही है वो भी मैं आपको कहूँगा कि आराम से फातिह करम गुरु यहाँ पर जो है फेवरेट है। एक ही चीज़ आपको जो सोचना पड़ेगा या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा वो है कि आप फातिह करम गुरु के साथ क्लीन शीट का टीम बनाएंगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एर्जुरुसपुर की तरफ से आपको मतलब सोच समझ के प्लेयर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनके प्लेयर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो विदाउट गोल या विदाउट असिस्ट आपको काफ़ी पॉइंट्स जो है कलेक्ट करके दें। ठीक है, तो मैं जो टीम बनाऊंगा वो थोड़ा सा डिफेंसिव देखने में लगेगा, क्योंकि एर्जुरुसपुर की तरफ से जो प्लेयर्स हैं जिनको मुझे लेना है वो डिफेंस में ही लिस्टेड हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई डिफेंसिव टीम बना रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स डिफेंस में लिस्टेड हैं और अभी तो गोल कंसीड करने पे आपको ज़्यादा माइनस भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा उस तरह का टीम बनाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या आप कर सकते हो, देखते हैं आगे हमें क्या क्या मिलता है।
सेट पीस टेकर्स की बात करें तो यहाँ पर जो जो नाम है आप नोटिस कर सकते हैं, यही इनके सेट पीस टेकर्स होते हैं। और एक चीज़ नोटिस करना कि एरिजोना स्पोर का सेट पीस के अगेंस्ट में काफ़ी वीकनेस नज़र आया है। रिसेंट कुछ मैचेस में लगातार इन्होंने गोल कंसीड किए हैं सेट पीस से। तो जो सेट पीस टेकर्स हैं और जो सेट पीस में गोल करने की एबिलिटी रखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो भी फातिह करमगुर के टीम में खेलते हैं। सही है, स्टैटिस्टिकली ये कुछ नाम आपको दिख जाएंगे। आप देखो दिखेगा कि नोवी कोवास, काराकुलुक्चु, चार गोल इन्होंने करे हुए हैं, इनमें से दो गोल तो यो या तीन गोल शायद बेंच से आकर कर रहा था। और रिकार्डो गोमेस फातिह की तरफ से, एंडाओ और बोडिनी दोनों विंगर्स। असिस्ट के मामले में भी आपको बसान दिख जाएंगे, ये भी विंगर हैं, ये भी विंगर हैं। मतलब दोनों ही टीमों के विंग में काफ़ी काम जो है आज के मैच में होने वाला है। और फातिह करमगुर की तरफ से एंडाओ का नाम यहाँ पर भी है। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अगर सब कुछ सही रहता है तो इस तरह का प्लेइंग इलेवन आपको देखने को मिल सकता है। इनमें से जो जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बोडिनी, देखिए अगर स्वेस्टर्न के अगेंस्ट बोडिनी आते तो भी मैं आपको कहता कि बोडिनी को रख लो, क्योंकि ये एकदम पॉजिटिव विंगर नहीं है, ये मल्टीपल पोजिशन में खेल सकते हैं। और उसके बाद इंडाओ के सामने आज के मैच में आएंगे स्वेस्टर्न। अगर सब कुछ सही रहता है ना, और जिस तरह के फॉर्म पे स्वेस्टर्न है, मुझे लगता है इंडाओ के पास इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, आप सेफ रहने के लिए उनको रह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये एक प्लेयर आज के मैच में बन सकते हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा चांस लो। उसके बाद कैस्ट्रो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास आज के मैच में एक बहुत ही ओपन स्पेस आने वाला है जितना मुझे समझ में आ रहा है। बिलिया आप ले सकते हो, सेट पीस वगैरह लेते हैं क्योंकि, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बर्तोलाची को ले सकते हो, बर्तोलाची या बिलिया में से कोई एक। डिफेंस में रॉको मस्ट है, बाल्कोवेज मस्ट है, और शाम्पी यहाँ से सेंट्रल डिफेंस में, या तो विवियानो, इन दोनों में से एक डिफेंडर को लेके तीसरा जो है डिफेंडर ले लेना फातिह करमगुर की तरफ से। और यहाँ से अगर बात करी जाए तो शायशूस मेरे लिए मस्ट है। अल्किलिच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। अल्किलिच वैसे तो बाल्कोवेज के अगेंस्ट में आएंगे, मुझे ज़्यादा चांस इनका दिख नहीं रहा है, लेकिन इनकी डिफेंसिव क्वालिटी भी ठीक ठाक है और कुछ मैचों में इन्होंने गोल्स वगैरह भी करे हुए हैं, तो बस इसीलिए नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है इनसे। और वैसे भी बाकी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वहाँ पर भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है जिनसे मैं कह सकूँ, इसीलिए अल्किलिच डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं मेरे लिए। और डिफेंडरों में से मैनुअल डा कोस्टा मस्ट हैव है, और यहाँ से तेक्यू या फिर आप स्वेस्टर्न, इनको भी साथ भी जा सकते हो। ठीक है, ये कुछ चार पांच ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो एरिजोना की तरफ से। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। इससे पहले मैं टीम दिखाऊं, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल मॉडल की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर आप सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win विदाउट स्पेस लिख के, तो 100,000 के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ना सिर्फ फुटबॉल की बल्कि क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी टीम्स जो है मिलती रहती है, तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप के लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो मैंने यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि भैया ये तो आपने क्या ही बना दिया, 0-0 का टीम बना रहे हो या नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है देखो, स्वेस्टर्न को मेरे को रखना है, मैनुअल डा कोस्टा को रखना है, अभी टेक्यू को आप चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप इनके जगह पर ऑप्शन ढूंढने जाओगे ना तो यहाँ पर हार्डली आपको नोवी कोवास, अगर नोवी कोवास खेलते हैं तब नोवी कोवास को ले लेना, लेकिन जितना मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नोवी कोवास शायद नहीं खेलेंगे तो इसीलिए मैंने नहीं रखा है। इसके सिवाय भी आपको यहाँ पर बसान का भी ऑप्शन मिलेगा, इन दोनों में से कोई अगर खेलते हैं तो आप शायद दे भी सकते हो, लेकिन और कोई सही ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे हैं मैं सही बताऊँ तो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नहीं रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लुकास कैस्ट्रो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रीज़न आपको बता दिया है मैंने, बोरिनी को तो आप मिस करोगे नहीं, और बिलिया वैसे भी आपको रखना पड़ेगा, ये सेट पीस वगैरह लेते हैं, क्योंकि अगर आपको बिलिया के जगह पर बर्तोलाची को भी लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, बर्तोलाची को भी ले सकते हो। अटैकर्स में से मुझे तो कोई और सही ऑप्शन मिला नहीं है, नहीं तो मैं सोबियस को लेता नहीं। ठीक है, सोबियस मुझे कभी भी पसंद नहीं आते हैं, भले ही वो गोल करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। आपको सेफ जाना है, आप इंडाओ के साथ जा सकते हो, लेकिन इंडाओ का क्या इशू आ सकता है मैंने आपको बता दिया है, बाकी सेफ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग रहने के लिए सोबियस को रखा है, अगर यहाँ पे नोवी कोवास वगैरह खेलते हैं तो नोवी कोवास या बसान में से जो भी खेलेंगे उनको आप लेके चल सकते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये भी टीम मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा है, बस सोबियस मैं सोच रहा था कि सेंट्रली अगर प्लेयर्स को मौका वगैरह मिल जाए तो सोबियस को हो सकता है कि आज के मैच में कुछ चांसेस मिले, बाकी फिनिशिंग तो उनकी बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, तो इसीलिए मैं पर्सनली प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, लेकिन
अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बस यही है। कैप्टन भास्करन चॉइस की अगर बात करें तो बोडिनी ऑफकोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। अगर ये स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट में आते तो शायद देखभाल के लिए मैं सोचता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बोडिनी को आज के मैच में भी ज़्यादा कोई इशूज आने वाला है। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शन है। देखो इंडाओ को मैं पर्सनली तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी सारी जनता ऐसी आएगी जो स्मॉल लीग में आपको इंडाओ का वाइस कैप्टन बनाते हुए दिखेगी, कैप्टन भी बना सकती है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर हो सकते हैं वो है लुकस कैस्ट्रो। कुछ लोग इनको ले सकते हैं, स्पेशली अगर नोविकोवास और बसान खेलते हैं तो शायद लोग इनको अवॉइड भी करेंगे क्रेडिट इशू के लिए, लेकिन अभी क्योंकि उनको मैं नहीं ले रहा हूँ, खेलेंगे नहीं यही सोच के, तो कैस्ट्रो मैंने मैनेज कर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, कैस्ट्रो मेरे लिए आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। और यहाँ से साई शूज जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और वैसे भी पेनल्टी वगैरह मिलता है तो ये भी लेंगे, लेकिन चांसेस कम है। और अगर आपको डिफेंडर में से देखना है तो एंजो रॉको, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मौका होगा आज के मैच में एंजो रॉको के पास कुछ गोल वगैरह करने का, क्योंकि एयरसुरुंस पर रिसेंट मैचेस में लगातार सेट पीस से गोल कंसीड कर रही है, और एंजो रॉको सेट पीस में सबसे पहले डिफेंडर के तौर पर आते हैं गोल स्कोर करने के लिए। उसके बाद भी उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है गुस्टावो सैम्पी, उसके बाद एंजो रॉको के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, ऑफकोर्स आप समझ ही सकते हैं, तो मेरे को गुस्टावो सैम्पी लेना तो था लेकिन मैं ले नहीं पाया। बेलकोविच को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ये खुद भी सेट पीस लेते हैं और सेट पीस में इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, तो इसीलिए, ठीक है। अलग रहना है तो बिलिया के जगह पर बर्तोलाची मैंने आपको बता दिया, कहीं से किसी मिडफील्डर को अगर आप स्पेशली नोविकोवास या बसार अगर खेलते हैं तो यहाँ पर टेक्यू को ड्रॉप करके आप सैम्पी को भी ले सकते हो और चौथा डिफेंडर ले सकते हो क्लीन शीट का। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग रहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये 1-0 वगैरह का स्कोर लाइन भी होता है तो यह टीम काफ़ी अच्छा कर सकती है, ठीक है। बाकी क्या लाइनअप आता है, क्या फॉर्मेशन होता है टीम का, वो देखकर हम हमारा फाइनल टीम जो है अपडेट करेंगे, तो वो अपडेटेड फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो वहाँ पर ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।